नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा धर्मेंद्र और मीना कुमारी का है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज से दर्शकों का खूब दिल जीता है। धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा था और खूब ऊंचाइयों को हासिल किया था। धर्मेंद्र अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। यूं तो उन्होंने अपने करियर के दौरान कई शानदार फिल्में की, लेकिन धर्मेंद्र को लेकर कहा जाता है कि उनकी तरक्की में मीना कुमारी का बहुत बड़ा रोल था। उस दौर की खबरों की माने तो मीना कुमारी और धर्मेंद्र की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और मीना कुमारी बॉलीवुड के हीमैन से मोहब्बत कर बैठी थी। धर्मेंद्र के बॉलीवुड में आगे बढ़ने में मीना कुमारी ने उनकी दरअसल काफ़ी मदद की थी। वो धर्मेंद्र से इस कदर मोहब्बत कर बैठी थी कि अक्सर फिल्म निर्माताओं के सामने धर्मेंद्र को मूवी में लेने के लिए शर्त रख देती थी। मीना कुमारी फिल्म निर्माताओं से कहती थी कि उनकी फिल्म में केवल धर्मेंद्र ही हीरो बनेंगे। मीना कुमारी उस वक्त बॉलीवुड की सुपरस्टार थी और ऐसे में निर्माताओं को मीना कुमारी की शर्त के आगे हार माननी पड़ती थी। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने पूर्णिमा, काजल, मैं भी लड़की हूँ, फूल और पत्थर जैसी कई फिल्मों में काम किया। बताया जाता है कि जैसे जैसे धर्मेंद्र करियर में ऊंचाइयों को छू रहे थे, वैसे वैसे ही वो और मीना कुमारी दूर होते जा रहे थे। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र और मीना कुमारी अलग होने के बाद एक दूसरे से पार्टी के दौरान मिले। पार्टी में मीना कुमारी और धर्मेंद्र कुछ समय के लिए तो एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र की इस बात ने मीना कुमारी को झकझोर कर रख दिया, जिससे वो बिना कुछ कहे या सुने ही पार्टी से दुखी होकर चली गई। मीना कुमारी के जीवन पर आधारित विनोद मेहता द्वारा लिखी गई किताब द क्लासिक बायोग्राफी में बताया गया है कि मीना कुमारी एक बार धर्मेंद्र के इंतजार में सड़क पर बैठ गई थी। दरअसल मीना कुमारी धर्मेंद्र और अपने अन्य दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, लेकिन वहां से आते समय धर्मेंद्र दूसरी कार में बैठ गए, जिससे मीना कुमारी काफी परेशान हो गई। वो कार से बाहर निकलकर सड़क के बीचों बीच बैठ गई और चिल्लाने लगी कि मेरा धर्म कहाँ है। मीना कुमारी से इतर धर्मेंद्र भी एक बार नशे में धुत एयरपोर्ट पर मीना कुमारी को याद कर चिल्लाने लगे थे। दरअसल धर्मेंद्र फिल्म काजल के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए हुए थे और यहाँ पार्टी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। एक्टर को नशे में धुत देखकर एयरपोर्ट प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया। ऐसे में उन्होंने वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरी मीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।